नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत एक दो सालों में जिस तरह से डिफेंस क्षेत्र में पैसा लगाए हैं, उससे साफ पता चलता है कि भारत अब अपने दुश्मनों को थोड़ा भी मौका नहीं देगा। आज से कुछ दिन पहले ही रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कुछ पार्ट डिलीवर करना शुरू किया था कि फिर से चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने के लिए भारत ने इस बार अमेरिका से एक बड़ा डिफेंस सौदा कर लिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान अभी दोनों सदैव में है, क्योंकि ये दोनों सोच रहे थे कि रूस से S-400 खरीदने पर भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती में करार आ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो गया है, आपको और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने अमेरिका से MQ-1 प्रीडेटर बी ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने की हरी झंडी दे दी है। दिसंबर में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले जनरल एटॉमिक्स ने प्रीडेटर बी ड्रोन की खरीदने का ऑर्डर दिया जा सकता है। वहीं भारत सरकार इस सौदे से जुड़ी सभी औपचारिकता को 2021 के समाप्त होने के पहले ही पूरा करना चाहती है। आपको बता दें कि भारत जो अमेरिका से 30 यूनिट ड्रोन खरीद रहा है, उसमें से 10 थल सेना को, 10 वायु सेना को और 10 नौसेना को देने का योजना बनाई जा रही है। घातक मिसाइलों से लैस ये ड्रोन लंबे समय तक हवाओं में निगरानी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसमें लगी मिसाइल दुश्मनों के जहाजों या ठिकानों को निशाना भी बना सकती है। इस ड्रोन को प्रीडेटर सी या RQ-1 के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रोन को खरीदने की वजह चीन के बिंग लॉन्ग ड्रोन 2 के हमला करने की ताकत को देखते हुए भी नौसेना ने ऐसा खतरनाक ड्रोन काफी जरूरत महसूस हो रही थी। इस MQ-1 ड्रोन में टर्बोफैन इंजन और स्टील्थ एयरक्राफ्ट के तमाम फीचर हैं। ये अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। भारतीय सेना अभी इजराइल के खरीदे गए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन फाइटर जेट की रफ्तार से उड़ान भरती है। वहीं इन ड्रोन के मिलने के बाद भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी आसानी से नजर रख सकते हैं। सर्विलांस सिस्टम के मामले में भारत इन देशों में काफी आगे है। यह ड्रोन 204 किलोग्राम की मिसाइल को लेकर उड़ान भर सकता है और 25,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ भी नहीं सकते हैं। इसमें 2 लेजर गाइडेड MG-1 114 हेलफायर मिसाइल लगाई जा सकती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक पायलट और दूसरा सेंसर ऑपरेटर होता है। अमेरिका के पास यह ड्रोन 150 की संख्या में उपलब्ध है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक सिस्टम ने बनाया है। इस ड्रोन में 115 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करने वाली टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। 8.22 मीटर लंबे और 2.1 मीटर ऊंचे इस ड्रोन के पंख की ऊंचाई 16.8 मीटर है। वहीं 100 गैलन तक की फ्यूल कैपेसिटी होने के कारण इस ड्रोन का फाइट एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा है। इस नए ड्रोन की खासियत यह भी है कि यह अपने बेस से उड़ान भरने के बाद 1800 मील यानी 2900 किलोमीटर तक उड़ सकता है। मतलब अगर इस ड्रोन को मध्य भारत से किसी एयरबेस से ऑपरेट किया जाता है, तो वह जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सीमा तक निगरानी कर सकता है। यह ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा यह ड्रोन 6500 पाउंड का पेलोड कैपेसिटी के साथ उड़ान भर सकता है। आपको क्या लगता है, भारत को इस ड्रोन के खरीदने से क्या चीन और पाकिस्तान पर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं, आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।